नमस्कार कमासान बॉलीवुड में आपका स्वागत है। मैं हूँ सानिया जी। आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ बॉलीवुड की कुछ चटपटी खबरों की ओर। ऐसी क्या वजह रही कि धोनी के फैंस हुए नाराज, आइए देखते हैं। एक तरफ जहां टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर पर है, तो वही दूसरी तरफ एमएस धोनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हाल ही में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बीवी साक्षी ने इंस्टाग्राम में कुछ तस्वीरें शेयर की है, जो कि काफी तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दें, साक्षी धोनी ने हाल ही में एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी उनकी सैंडल के बेल्ट लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साक्षी की फोटो पर फैंस अपनी कमेंट्स भी लगातार दे रहे हैं। कुछ फैंस को तो खूब पसंद आ रही है तस्वीरें, और कुछ फैंस काफी नाराज है साक्षी से। ऐसा क्या हुआ जो शिल्पा शेट्टी को हाथ जोड़ाना पड़ा महंगा, आइए देखते हैं। डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 3 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में शिल्पा शेट्टी, गीता माँ और अनुराग बासु एक बार फिर से तीनों मिलकर इस शो को जज करने जा रहे हैं। इस बीच शो में शिल्पा शेट्टी का एक फैन सामने आया है। फैन ने शिल्पा से हाथ मिलाने की दरखास्त की, वहीं शिल्पा को इस ख्वाहिश को पूरा करना महंगा पड़ गया। जहां शो की एक कंटेस्टेंट ने इन तीनों जज को अपना डांस का जलवा दिखाया, वहीं एक कंटेस्टेंट ने बताया कि उनके पिता शिल्पा शेट्टी के बहुत बड़े फैन हैं। ऐसे में कंटेस्टेंट ने अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए ये कहा कि मेरे पिता को आपसे हाथ मिलाना है। जैसे ही शिल्पा का हाथ उन्होंने मिलाया, वैसे छोड़ा ही नहीं उनका हाथ। गोवा टूर से लौटे सलमान खान और यूलिया वेंटोर, आइए देखते हैं इनकी कुछ तस्वीरें। सलमान और उनकी रोमानियन फ्रेंड यूलिया वेंटोर की दोस्ती के बारे में तो सभी जानते हैं। सलमान अपनी इस खास दोस्त के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। हाल ही में दोनों न्यू ईयर पे गोवा में देखे गए थे। सलमान और यूलिया अब गोवा से अपना हॉलीडे मनाकर मुंबई लौट चुके हैं। दोनों को एक साथ देखा गया है। उनकी इस जुगलबंदी को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यूलिया और सलमान का रिश्ता अब दोस्ती से कुछ ज्यादा ही हो गया है, और दोनों अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।